बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ और मुझे आज जाना है कहीं पर, तो फिर मुझे वहाँ पर जाने के लिए रेडी होना है। तो अम्मी अभी नाश्ता बना रही है, तो बस मैं उठी हूँ जल्दी से। तो नमाज़ पहले पढ़ी है, फिर थोड़ी देर लेट ही थी, मैं कहा थोड़ा टाइम गुजरने दो। तो फिर अभी 10-15 मिनट गुजरे हैं, तो मैंने सोचा कि नाश्ता करते हैं फिर जाना है, तो रेडी होना है। तो कहाँ जा रही हूँ आपको साथ साथ लेके जाऊँगी। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मेरे साथ ही रहिएगा, तो चलते हैं फिर, और आज सारा दिन बहुत मज़ा आने वाला है। और ये अम्मी जान सुबह नाश्ता बना रही हैं, पराठा बना रही हैं। तो ये चूल्हा अभी गंदा हुआ है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, आपको पता ही। मम्मा सलाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, हम भी सब ठीक ठाक हैं। और अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ न्यू दिन का आगाज़ हो गया। नमाज पढ़ी है, सबक पढ़ा है, अब नाश्ते की तरफ आए हैं और अपने व्यूअर्स से भी मुलाकात हो गई है, घर वाले से, फैमिली से। चलो जी, ये मैंने चाय बना दी है और ये हमारे अंडे भी हो गए हैं बॉयल, क्योंकि मैं सुबह चाय के साथ सिर्फ अंडा खाती हूँ, और एक मम्मी का, एक अब्बू का और एक मुरादी शुभाजाई में सूजी से खाती हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई एक नहीं खाता नहीं तो फिर ज़ाया हो जाते हैं। ओके, तो अभी इसको छीलते हैं और मैं दांत ब्रश करने जा रही हूँ, तो फिर दांत ब्रश करके फिर किचन जाऊँगी। ओके, तो गाइज़ मैं तैयार हो गई हूँ, ये मेरा आउटफिट है और ये शूज़ बहुत कंफर्टेबल हैं, इसलिए मैं यही पहनती हूँ। ये मैचिंग भी थे, ये देखें घड़ियाँ छड़ियाँ अंगूठियाँ छुटियाँ पहन ली, और अभी बस निकलने लगी हूँ। ये मैंने बैग ले लिए, तो अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे और फिर आपको सारे क्या क्या होता है दिखाऊंगी। सो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी तक जो है लिशवा नहीं आई। मैं सुबह की उठी हुई हूँ, उसने मुझे कहा था कि सुबह सुबह तैयार हो जाना, 9 बजे मैं आ जाऊँगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो अब 10 हो गए, तो अभी बस आने वाली कह रही है, मैं मैसेज करूँगी तो घर से निकल आना। तो बस अभी जाते हैं फिर उधर यूनिवर्सिटी में, क्या क्या करते हैं आपको दिखाएँगे। तो चलते हैं फिर, आज मुझे सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों हाथ मेरे ठंडे हो गए। गाइज, हम आ गए हैं फार्मा जना वुमेंस यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी व्लॉग। यहाँ पे क्या आज फन वाला और मूवी भी है, मूवी भी है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। गाइज, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो ये आगे लिफा फिर रही है, तो मैंने सोचा कि आपको, आप यूनिवर्सिटी आए हैं तो डिपार्टमेंट भी दिखा देते हैं, क्या कहते हो? फिर अब हम ढूंढ रहे हैं एलिजा को, यूनिवर्सिटी के बाहर के नज़ारे हैं। कैसी हो मिली? मैं भी ठीक हूँ। तो सलाम कर दो फिर, मैं गाड़िया की मेरा ब्लॉग देखना, ठीक। कैसी हो फातिमा? मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, हम यहाँ पे कैफे की तरफ आए थे, तो जो है हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं है। हेलो गाइज, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, हमने लिया इसलिए यहाँ से कुछ नहीं है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हम आए हैं वो है फन वाला, तो उसके अंदर तो और भी ज्यादा अच्छी अच्छी खाने की चीजें होंगी ना, तो हम वहाँ जाके ना आपको सारा कुछ दिखाते हैं। अच्छा। और आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। चलो जी, अब हम जा रहे हैं और मैं आपको इंट्रेंस भी दिखाऊंगी सब कुछ। हमने टिकट ले लिए हैं और ये इन्होंने भी सब ने टिकट उठाए हुए हैं। लीजा टिकट दिखाओ। और अभी हम जा रहे हैं, और अभी हम अंदर जा रहे हैं, सारे टिकट शिकट ले लिए। तो अभी क्या है, अब डालो ना। तो अभी हम अंदर जाएंगे
और फिर आपको दिखाते हैं अंदर का माहौल। सो गाइस अब हम इंटर हो चुके हैं और हमारी आधी आवाम गुम हो चुकी है। कैसे? सो गाइस अब मैं भारी भारी सारे स्टॉल्स पे जा रही हूँ क्योंकि पीछे गाने लगे हुए थे जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता था। तो ये गोलगप्पों का स्टॉल है, इससे पीछे स्टॉल था चॉकलेट वगैरह का। तो यहाँ से हमने गोलगप्पे खाए थे और अभी नहीं खाए थे, अभी हमने पूरा पहले जायज़ा लिया था। हमने सोचा था कि जहाँ सबसे अच्छी चीज़ नज़र आएगी हम वही खाएँगे। तो अलिशवा इन्हीं अंकल से गोलगप्पे वैसे भी ले कर खाती होती है, तो इसने कहा था ये इधर ही से लेंगे क्योंकि यहाँ से अंकल बहुत अच्छे देते हैं, यहाँ पर अंकल जो है। तो फिर हम लोग गए और फिर बारी बारी हमने सारे स्टॉल चेकआउट किए और अभी आपको भी दिखाएंगे। शॉर्मा का स्टॉल था, टिक्कों का स्टॉल था, कबाब का था, पिज़्ज़ा था, हर चीज़ जो थी ना उधर मौजूद थी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सामने चिकन शॉर्मा का स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पे हम सोच रहे थे कि जो सबसे कॉर्नर पे स्टॉल हैं हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे वीडियो बनाना और फिर एंड तक सारे स्टॉल्स पे जाएंगे, लेकिन पीछे म्यूज़िक था जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि जो वॉइस थी वीडियो की वो मैंने म्यूट कर दी और मैं खुद अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये सामने हमारे चॉकलेट का स्टॉल था, ये बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ से एक चॉकलेट ये जो लेयर्स वाली है ना ये ली थी, तो ये बहुत टेस्टी थी। उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, आप अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इनसे कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। तो इनकी सब चीज़ें बहुत बहुत ही यम्मी थी। और यहाँ पे गाइस रोल आइसक्रीम लगी हुई है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको स्टॉल्स की विजिट करवा रही हूँ, बाद में हम लोग कुछ देखेंगे, जो हम लेंगे वो आपको बात। ठीक है चलो जी आ जाओ। सो गई जब हम अगले स्टॉल पे आ गए थे फिर गाने शुरू हो गए थे पीछे, तो मैंने वीडियो की वॉइस म्यूट कर दी। तो अभी हम अगले स्टॉल पे जा रहे हैं, यहाँ पे पिज़्ज़े का स्टॉल लगा हुआ था जो कि बहुत ही बहुत यम्मी था और रश हर पिज़्ज़े पे बहुत ज़्यादा, हर पिज़्ज़े पे कह रही हूँ हर स्टॉल पे बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं इसीलिए जो है ना दूर दूर से वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर जो है इन आंटी ने बिरयानी रखी हुई थी, पिज़्ज़ा हर चीज़ रखी हुई थी और इनकी बिरयानी बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। पास्ता था इनके पास। फिर ये गोलगप्पों का एक और स्टॉल आ गया था, यहाँ पे फ्राइज़ भी थी, ये आप देख सकते हैं गोलगप्पे भी पड़े हुए। फिर यहाँ पे कपकेक्स का स्टॉल था, पेस्ट्रीज थी, हर चीज़ थी और ये भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने। हमने यहाँ से ली तो नहीं थी लेकिन ये काफ़ी अच्छी नज़र आ रही बनी हुई है। तो मोस्टली जो स्टॉल्स थे वो गोलगप्पों के थे और यहाँ पे फिर से गोलगप्पों का स्टॉल था और पान का था और ये सामने जो है केक पेस्ट्रीज और ये वगैरह के स्टॉल थे। तो मैंने दूर से दिखा दिए, झूले लगे हुए थे और हम झूलों पे 3 दफ़ा बैठे थे तो बड़ा मज़ा आया झूलों में। तो सब हम लोग आ गए हैं आपकी दूसरी तरफ और यहाँ पे लगे हुए हैं कपड़ों के स्टॉल। तो यहाँ पे भी गाने थे मैंने स्टॉल्स देखते हैं कपड़ों के, बहुत तो ये हैंडमेड सब कुछ बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसलिए थोड़ा रिकॉल कर लूँगी जूलों पर ही थी सारी, तो ये बहुत अच्छी थी। यहाँ पर सारी चीज़ें क्वालिटी थी, बड़ी थी, ये बहुत अच्छा लगता है। हम ज्वेलरी के स्टॉल पे आ गए तो फिर आगे सारी ज्वेलरी थी आप चाहें तो वहाँ पे अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं सारे, तो आप इस पे जाके ऑर्डर कर। यहाँ पे जी ये मोबाइल के पीछे जो स्टिकर लगते हैं उनके स्टॉल्स से मोबाइल कवर के थे और यहाँ पे आगे ज्वेलरी थी दोबारा पड़ी हुई और फिर आगे मेकअप के स्टॉल्स थे, बैग्स के थे। तो ये जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ तो हर चीज़ बहुत अच्छी थी लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव थी यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं मेकअप के स्टॉल। तो गाइस ये हमने गजरे गजरे पहन लिए हैं और चलो 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 ज़्यादा फ्री ना हो यार, मुझे ही साथ में पहनना चाहिए। रिश्वा को इन अंकल के गोलगप्पे बहुत पसंद है जी, मैं रोज खाती हूँ। हाँ जी तो अभी और भी रोड पे खड़ी होके खाती हूँ लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं तो अब यहाँ से लेके लेकिन उसी रेट पे। हाँ तो
ये इतने स्टॉल्स लगे हुए थे, ये वहाँ पे सबको छोड़ के कहती है मैंने खाने हैं तो यहीं से खाने हैं। मैं कहा चलो जी अंकल मुझे भी दो प्लेट लेना जल्दी से। और ये जो हमारे साथ बच्चा पार्टी थी वो अपनी इंजॉय कर रही थी बर्गर और चार शर्ट खाने, फिर ये उन सब ने भी गजरे पहने हुए थे और अलीजा और मिली ने तो अपने गजरे तोड़ दिए थे क्योंकि उनके टूट गए थे। तो ये लोग यहाँ पे खा पी रहे थे तो हमारे और अलिशवा ने ऊपर से छापा मारा लेकिन फिर हमने कुछ खाया नहीं। ये देखें गोलगप्पे आ गए, ये गोलगप्पे आ गए और मैं और अलिशवा अब ये खाने लगे। चलो अलिशवा, ये मैंने और अलिशवा ने बिरयानी ले लिया और अब हम ये खाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। गाइज़ ये देखें अब हम इस झूले में बैठने लगे थे और आप रश देख सकते, इतना रश था लेकिन बहुत मज़ा आया इस रश। और ये हम ऊपर खड़े हुए थे, ऊपर से सारा नज़ारा आप देख सकते हैं। पीछे गाने लगे हुए थे जिसकी वजह से मैं वॉइस ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मेहनत जो है ना फिर ज़ाया चली जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप सारा व्यू। अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। यार विश्वा एक हमारी किसी ने फोटो ही ली यार, अब पहले मूवी वाले बनी हुई फोन जिसके बाद लेते मेरा पाँव खराब हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ पाँव को? ठीक। और ये हम यहाँ पे मूवी देखने लगे हैं द एडम्स प्रोजेक्ट। लोग इस वक्त फातिमा जिना यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठे हुए हैं और बहुत थक गए और ये नहीं हम यहाँ पे खाने नहीं आए, हम अलीजा को ढूंढने आए थे। ये रिश्वा बैठी भी अंकिल की आपको नज़र आ रही है तो जो है ना हम यहाँ पे उनको लेने आए थे। बस अभी हम यहाँ से जूस लेंगे और घर जाएंगे। रिश्वा आपका दिन कैसा रहा? ये कह रही है मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही तो इसलिए मुझे अभी बहुत अच्छा रहा। मुझे ना 4 साल से मतलब 5 साल से यूनिवर्सिटी में इतना मज़ा कभी भी नहीं आया, हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं लेकिन इतना मज़ा कभी नहीं है जितना कि मुझे आज है। मेरी तरफ से बहुत अच्छा दिन। और हम लोग 3 दफ़ा तो झूले में बैठे हैं, एक झूले में बार बार और अच्छा लगा हमें। और अभी हम घर जाएंगे और मैंने मम्मा के लिए पिज़्ज़ा लिया है, हाँ ऑरेंज जूस लिया अभी और फिर मैंने अपनी मामा के लिए पिज़्ज़ा लिया। ओके बाद हम लोगों ने ले लिए जूस, ये हमारे पास है ऑरेंज जूस और ये कौन से है मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम जूस और ये ऑरेंज जूस। हम गर्मी सर्दियों में ऑरेंज जूस यार ये बहुत यम्मी होते हैं यार, थोड़े होते हैं लेकिन ठंडे होते हैं ना, गले खराब होए तो फिर सानू ना। चलो गाइस हम ये पी लें तो फिर आपसे गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मैं बहुत थकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।